नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 हिंदी प्रथम सत्र में चौथी इकाई गिनती 51 से लेकर 100 तक इसके बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, गिनती 51 से 100 तक। यहाँ पर एक QR कोड है जिसे आप स्कैन करके इस इकाई से संबंधित वीडियो या तो कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक छात्रों को समूह में बिठाकर 51 से 100 तक की गिनती का उच्चारण करवाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप कक्षा 5वीं में या तो 4थी में गिनती हिंदी गिनती 1 से लेकर 50 तक सीख चुके होंगे। कक्षा 6ठी में आपको 51 से लेकर 100 तक की गिनती का उच्चारण एवं गिनती को सीखना है अंक एवं शब्दों में। तो यहाँ पर हम उच्चारण करेंगे और साथ ही देखते भी जाएंगे। आपको अपनी किताब में भी देखना है और मेरे साथ आप उच्चारण भी कर सकते हैं, ताकि बोल भी सकते हैं, ताकि आपको भी हिंदी गिनती बोलना आ जाए। तो शुरू करते हैं। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। तो इस तरह से आपको गिनती बोलना है और लिखना है। खास ध्यान यह रखना है, यहाँ पर एक 59 और 60, ये शब्द ध्यान रखना है। यहाँ पर 60 होता है, यहाँ पर 59 होता है। इसी तरह 69 और 70, गुजराती में हम जिसे 70 कहते हैं उसे हिंदी में 70 कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, गलती ये हो सकती है कि 70 और गुजराती में 70 होता है 17। तो ये ध्यान रखना है, 70 हिंदी में हो तो 70 का मतलब होता है 70, 70, जिसे हम गुजराती में 70 बोलते हैं, और 17, 70 जो गुजराती में बोलते हैं उसे हिंदी में 17 बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरह से गिनती है। आगे देखते हैं गिनती से संबंधित प्रवृत्ति एक्टिविटी। तो यहाँ पर एक भोले भैया है, तो भोले भैया को रास्ते में आने वाली संख्या का उच्चारण कराते हुए साइकिल तक पहुँचाना है। तो आप अपनी किताब में पेंसिल या पेन से रास्ता बनाकर उन्हें साइकिल तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से रास्ता बनाया रखा हुआ है। तो ये है 21 और फिर 50, फिर 67, 69 और 69 से सीधा 100। तो इस तरह से आपको बनाना है साइकिल तक। आप दूसरा रास्ता भी बना सकते हैं, और जिस रास्ते को आप बनाएंगे उस रास्ते पे आने वाली संख्या का उच्चारण करते हुए आपको रास्ता बनाना है। ओके, तो यह प्रवृत्ति आप खुद भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ मिलके। देखते हैं आगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में एक भी QR कोड है, उसे आप स्कैन कर सकते हो। पहला प्रश्न, उदाहरण के अनुसार जोड़े मिलाइए। तो यहाँ पर उदाहरण तो दिया नहीं है, लेकिन हमें संख्या और शब्दों में जो गिनती दी हुई है उसके जोड़े मिलाने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या है, ये 8 और 5 यानी कि 85। ओके, तो देखना है 85 कहाँ है और फिर उसका जोड़ा मिलाना है। तो यहाँ से 85 नीचे है, यहाँ इसका जोड़ा मिलाइए। यहाँ पर आपको दिखे इसलिए मैंने जूम करके रखा है, आप अपनी किताब में इस तरह से जोड़े मिला सकते हैं 85। ओके, उसके बाद जो है 7 और ये है 3। खास ध्यान रखिए 3 और 6 में आप गलती कर सकते हैं,
तीन इस तरह से होता है और छः इस तरह से होता है। तो ये है 73। तो 73 कहाँ पर है? तो यहाँ, तो इसका जोड़ा मिलाएंगे। फिर है 6 और 9। तो 9 और 1 में भी ध्यान रखना है, 9 में उल्टा होता है, 1 में इस तरह से होता है। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये है 69। अब यहाँ से 69 ये रहा। फिर 5 और 6 है यानी कि 56। तो ये 56। फिर है 2 9 यानी 99। तो यहाँ से 99। उसके बाद है 2 8 है यानी कि 88। तो ये यहाँ पे 7 और 6 76 जो आखिरी बचा है, तो ये यहाँ पे। तो इस तरह से आपको जोड़े मिलाने हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जोड़े मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से रेखाएँ खींचकर जोड़े मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो है 76 है, सॉरी 73 है, तो आपको इस चौकोर के अंदर ये वाला शब्द लिखना है। इसी तरह बाकी सारे संख्या जो हुई है, उन जो भी संख्या है उसका जो शब्दों में लिखा जाता है, ये आपको चौकोर में लिखना है। और इस तरह से जिस प्रकार हमने जोड़े मिलाए, सही उत्तर आप लिख सकते हो। देखते हैं आगे, गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। तो गिनती जो है उसे आप शब्दों में लिखोगे और जो शब्द है उसे अंकों में लिखोगे। इस तरह से आपको करना है। जैसे कि 79, तो 79 जिस तरह से लिखा जाएगा ये आपको लिखना है। हम आगे गिनती सीख चुके हैं। 74, ओके, 79, तो 8 और 9, और सॉरी 79 तो 7 और 9, 89 होगा तो 8 और 9। ओके, 74, 7 और 4, 59, 5 और 9, 63, 6 और 3, ये है 75। ओके, फिर 90, 54 और ये 89, यहाँ पर 89 लिखेंगे। तो ये आपको लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न 3। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पर जो कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं उन्हें हमें पसंद करना है, और जो सही है उस सही विकल्प से हमें रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह भरना है। खाली जगह 30 वर्ष का है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले रमेश, रमेश 30 वर्ष का है। ओके, क्योंकि बाकी सारे शब्द नहीं आ सकते। वह, गीता, हम, उसे, मैं, हम और कौन, पता नहीं, खाली जगह, दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो इसमें आएगा कौन। ओके, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। फिर है पुस्तक रुचिकर है, खाली जगह मैं भी पढ़ूंगी, उसे, उसे मैं भी पढ़ूंगी, तो यहाँ पर आएगा उसे। चौथा, खाली जगह सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे, तो यहाँ से हम सब मिलकर, हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। और पांचवा, रविवार को खाली जगह बाजार जाऊंगा मैं, रविवार को मैं बाजार जाऊंगा। तो इस तरह से आपको ये उत्तर लिखने हैं। ओके, प्रश्न 4, 51। ओके, 51 से 76 तक के अंकों को क्रमशः जोड़कर एक चित्र बनाना है और रंग भरने हैं। सॉरी, यहाँ पर 73 है, 73 तक ही आपको जोड़ना है और फिर रंग भी भरने हैं। तो जहाँ से गिनती शुरू होती है वहाँ से आपको शुरू करना है और एक एक बिंदु को जोड़ते जाना है। जैसे कि यहाँ से, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ओके, उसके बाद 55 यहाँ पर है, तो यहाँ से सीधा 55। ओके, फिर 56 शब्दों में हो गया, 57 यहाँ से, 58, फिर 59, 60, 61, 62 और 63, फिर 64 और यहाँ से 65, 66, 67, 68, 69 और 70। उसके बाद यहाँ है एक बिंदु, 71, फिर है 72 और 73, यहाँ इसे जोड़ दीजिए। तो इस तरह से एक चिड़िया का चित्र बनता है, इसके अंदर आपको रंग भी भरने हैं।
ओके, तो इस तरह से आपको बनाना है। 54 से आप सीधा यहाँ से 55 के ऊपर भी जा सकते थे, ये हमने थोड़ी गलती कर दी। यहाँ से एक रेखा बनी हुई है, इसे इस तरह से जोड़ना था तो भी चलता। तो इस तरह से एक चिड़िया का चित्र बनता है। आपको इस तरह से चिड़िया का चित्र बनाना है और रंग भरने हैं। बहुत ही अच्छी ये एक प्रवृत्ति है। आगे देखते हैं, खेले हम खेल। तो यहाँ पर एक सांप सीढ़ी का खेल दिया हुआ है, उसके कुछ नियम नीचे दिए हुए, तो हम देखते हैं। सोचना, दो या चार छात्र समूह में यह खेल खेलेंगे। खेलते समय आप हर बार कितने अंक आगे बढ़े और कहाँ पहुँचे, यह आप अपने मित्रों को बताइए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको बताना भी है और लिखना भी है। इस तरह से आप गिनती आपको गिनती तैयार होती रहेगी, उसे आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। खेलते समय अगर आप सीढ़ी से चढ़ जाते हो तो कहाँ चढ़े और उन दो अंकों के बीच में कौन से अंक थे, यह अपने साथी को बताकर अपनी कॉपी में लिखिए। मान लो कि आप सीढ़ी चढ़ गए, पासे से आपको 2 मिले, तो 2 से आप 21 पर सीधे चढ़ गए, तो 21 और 2 के बीच में कौन कौन से अंक थे ये आपको बताना है। जैसे कि 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और 3, तो ये आपको बताना है। और मान लो कि आपको सांप निकल जाता है, तो जहाँ पर आप थे और जिस अंक पर आकर आप रुकते हो उसके बीच में जो भी संख्या थी ये भी आपको बताना है। खेलते समय अगर आप सांप के मुंह से पूंछ तक आ गए तो उन दो अंकों के बीच आने वाले अंक भी अपने साथी को पढ़कर सुनाइए और अपनी कॉपी में भी लिखिए। जो छात्र 100 पर पहले पहुंच जाता है वही विजयी होता है। ये आप और हम जानते हैं सांप सीढ़ी के खेल के बारे में। तो इस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो और साथ ही ये गिनती भी आप सीख सकते हो। इतना जानिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि गुजराती में होते हैं और हिंदी में उसके क्या अर्थ होते हैं ये आपको लिखना है, समझना है, सीखना है। ओसी को तो उसे तकिया कहा जाता है, कंगा हिंदी में कंगा कहते हैं, जो गुजराती में होता है कांस को। खरल यानी खल, चारपाई यानी खाटलो, उपला जे छाणा होय छे, ओके, बरामदा यानी वरंडो, अलमारी यानी कबाट, पाखाना यानी जाजरू, कई बार इसे पैखाना भी कहते हैं, खपरेल यानी नड़ियू और घड़ी यानी घड़ियाल। निम्नलिखित चिन्हों को देखिए और समझिए। तो इस प्रकार का जो चिन्ह होता है साइन, उसे उसका मतलब होता है आगे बम्प है। ऐसे जो सिंबल आप देखते हो पत्थर लगाए होते हैं रोड पे, वो होते हैं अंतर्दर्शक या माइलस्टोन कहा जाता है। ऐसा चिन्ह होता है इसका मतलब होता है रेलवे फाटक, और इस तरह का चिन्ह होता है उसका मतलब होता है खतरा। तो इस प्रकार हम गिनती 51 से 100 तक सीखे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।